सो आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हमारा वेट नहीं बढ़ता, ठीक है, हमें कोई गेनर रिकमेंड करो, हम मैंने ये गेनर खा लिया, वो गेनर खा लिया है, हमें असर नहीं पड़ा, ठीक है, हमें मसल मास भी गेन करना है, वेट भी बढ़ाना है। तो उनके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है मसल टेक फास्ट टेक के ऊपर, वो भी बहुत अच्छा गेनर है, बट वो मैंने उस वीडियो में बताया कि वो सारे बॉडी टाइप पे अडेप्ट नहीं होता, बट एक ऐसा गेनर है जो ट्राई एंड टेस्टेड है, मैंने किया, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने यूज़ किया है और बहुत सारे मेरे जो ट्रेनर्स दोस्त हैं वो भी यूज़ करवाते हैं, खुद भी करते हैं। तो ये है, ये है डायमंडाइज का सुपर मास। सो ये बहुत बढ़िया रहता है, बट मेक श्योर ओरिजिनल हो, क्योंकि इसकी कॉपी बहुत आती है, बहुत यानी कि हद से ज़्यादा कॉपी इसकी आती है। तो ये इसका इंपोर्ट टैग होता है, इंपोर्ट टैग लगा होता है, तो उसकी वजह से पता लग जाता है कि ओरिजिनल है। और इसका जो रेट है तकरीबन 5,400-5,600 ऐसा रहता है। अगर कोई भी आपको बोले ना कि भैया हमारे दुकान पे सस्ता है, हम सस्ता दे रहे हैं, आपको महंगा मिल रहा है, तो समझ लेना आपको खुद दो खींच रहा है, आपको नकली प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका जेन्युइन रेट 5,000-5,500 ऐसे बीच में पड़ता है, ठीक है। तो हो गई इसकी बात, ताकि ओरिजिनलिटी की चेक पर यही पता लगता है कि इसकी इसमें लगा होना चाहिए, स्टिकर होना चाहिए, इंपोर्टर टैग होना चाहिए। आप इंपोर्टर से कॉल करके पूछ सकते हो, बैच नंबर वगैरह सारा कुछ सारा मेंशन होता है, नंबर वंबर सब दे रखा होता है, ठीक है। तो ये बढ़िया इसलिए है, जो भी बंदा पतला है 40-50 किलो का, इसको वेट बढ़ाना है 10 किलो 8 किलो 6 किलो 12 किलो बढ़ा देता है ये बड़े प्यार से, ठीक है। तो बल्कि आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आप डाइट में क्या रखते हो, आपकी डाइट कैसे रहती है, आप कितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, आपका वर्कआउट कैसा है, वेट तो 110% बढ़ा देगी, और जो मसल मास बढ़ाने की बात होती है वो सारा डाइट पर डिपेंड करता है कि आपकी डाइट क्या है, आप पूरे दिन में प्रोटीन कितना ले रहे हो, कार्ब्स कितना ले रहे हो, कैलोरीज तो इससे मिल ही जाएगी, ठीक है। सो उसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है, इसमें वे प्रोटीन ब्लेंड है, उसमें कंसेंट्रेट प्रोटीन भी है, हाइड्रोलाइज भी है, आइसोलेट भी है, और कैसीन प्रोटीन भी है, तो उसमें सारे तरीके के प्रोटीन है। जब आप इसको कंज्यूम करोगे, लाइक इसकी सर्विंग वैसे बहुत बड़ी है, 33 ग्राम की इसकी सर्विंग है, मतलब 333 ग्राम की सर्विंग है इसकी, 333 ग्राम की इसकी सर्विंग हुई। सो उसका बहुत बड़ा स्कूप है, स्कूप भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, वेट अ सेकंड। स्कूप भी क्या इसका, तो मग्गा है, इतना बड़ा स्कूप है, इतना बड़ा स्कूप लेना पड़ता है, वो भी दो, तब जाके 333 ग्राम की इसकी सर्विंग कंप्लीट होती है। सो ये बहुत अच्छा गेनर है, आपको जो भी बंदा गेन करना चाहता है, अपना वेट बढ़ाना चाहता है, या मसल वेट के साथ मसल मास भी बनाना चाहता है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आइसोलेट प्रोटीन, हाइड्रोलाइज प्रोटीन, कंसेंट्रेट प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन सारा कुछ है, ठीक है। तो आपको इंस्टेंट रिकवरी भी मिलेगी, स्लो रिकवरी भी मिलेगी, लेट रिकवरी भी मिलेगी, ठीक है, मतलब एक घंटे में भी आपको रिकवरी मिल रही है, बॉडी में पड़ा हुआ है, 3 घंटे में भी आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, और 6 घंटे से 8 घंटे तक भी आपकी बॉडी में रहता है, तो आपको थोड़े थोड़े टाइम पर न्यूट्रिशन देता रहता है, जो सबसे बेस्ट चीज़ रहती है बल्किंग करने में, गेनिंग करने में। सो इसके टक्कर में भी कुछ नहीं है, इसमें PCA भी पूरे हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन बहुत बढ़िया रहता है मसल मास गेन करने के लिए, और उसमें PCA वगैरह सारा कुछ इसमें पूरा मेंशन करा हुआ है, तो वैसे आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा। सो मैं आपको एक बार इसकी वो बता देता हूँ, इसकी पर सर्विंग है 333 ग्राम की, उसमें आपको कैलोरीज मिलती है 1280। तो बहुत सारे लोग गेनर को कहते हैं कि भैया गेनर नहीं खाना चाहिए, सच्चा आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लो, चावल रोटी खा लो, तो उनको मैं कहता हूँ भाई हर कोई इतना नहीं खा सकता, हर किसी के काम होते हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, किसी का कोई बिजनेस है, कोई जॉब पे जाता है, वो इतना नहीं खा सकते। सो ये गेनर हमेशा कैलोरीज को मेंटेन के लिए होता है, ये हम भी लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, ये इवन जॉर्ज फेरा, हेनरी रैम्बॉब, ठीक है, चार्ल्स ग्लास, वो भी गेनर रिकमेंड करते हैं, इनसे बढ़िया कोच पूरी दुनिया में प्रेप कोच कोई भी नहीं है, इनके अंडर ओलंपिया लेवल तक के लोग ट्रेन कर होते हैं और जीतते हैं ओलंपिया, मिस्टर फिलिप है, काई ग्रीन हो गया, और डेक्सटर जैक्सन है, कितने सारे तो इनके वो हैं, और वो कहते हैं कि भैया खा सकते हो गेनर, और हमारे जो यूट्यूब पर इतने सारे लोग हैं गेनर नहीं खाना चाहिए, गेनर पे काम तरफ होता है, पता होता है इन लोगों को। सो इसमें 1280 ग्राम कैलोरीज हैं, जो कि बहुत बढ़िया है, दिन में आपको कम से कम आपके वेट के हिसाब से
गेनिंग करने के लिए 3000 कैलोरीज तो कम से कम आपको खानी चाहिए। सो 1280 कैलोरीज तो इसमें आपको एक टाइम में मिल गई, बस को आप दो बार ले सकते हो दिन में, सुबह दो स्कूप ले लिए, शाम को दो स्कूप ले लिए, ठीक है। कैलोरीज आप डबल कर लो। और इसमें प्रोटीन है 52 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट है 245 ग्राम, जो भी बहुत बढ़िया है, मील रिप्लेसमेंट का काम तो बहुत तगड़ा करता है। और बाकी सारे इसमें न्यूट्रिशन हैं लाइक विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, काफ़ी सारा कुछ है। 10.7 ग्राम इसमें BCAA है, 5.1 ग्राम अलग से इसमें ल्यूसीन है, 10 ग्राम फैट है इसमें, जो कि ओवरऑल पैक है बहुत बढ़िया है। सो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए थी जिनको अपना वेट बढ़ाना है, गेन करना है, जो पतले लोग हैं, ये उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी 70-80 किलो के हैं, गेनर खा रहे हैं। और मेंटेनेंस के लिए अगर आपको गेनर चाहिए, आप 70-80 किलो के भी हो, आपका आपको लग रहा है कि आपने बल्क करना है, तो आप मसल टैक का मास्टेक यूज़ कर सकते हो, उससे बेहतरीन चीज़ भी कोई नहीं है, लीन मसल मास प्रमोट करता है। और आप बल्क करना है, गेन करना है, कोई 40-50-60 किलो का, उसको 10 किलो, 8 किलो, 12 किलो, 6 किलो वेट बढ़ाना हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, 110% बढ़ेगा। मेक श्योर इसको हमेशा दूध के साथ लो, चाहे आप पोस्ट वर्कआउट लो, या अपना सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लो, या अपना रात को डिनर के बाद लो सोने से पहले, तो हमेशा इसको दूध से ही लेना। दूध से ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक आपको सिस्टम में रहता है, और बल्किंग में हमेशा ये रहता है ज़्यादा देर तक आपको सिस्टम में चीज़ पड़ी होनी चाहिए, ताकि आपको टाइम टू न्यूट्रिशन मिलता है। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो लाइक सब अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, और तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।